श्रीलंका की सेंसेशनल सिंगर युहानी का गाना मनिगे मगे हिते लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब युहानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। जी हाँ, पहले युहानी की पॉपुलैरिटी उनके देश तक ही सीमित थी, लेकिन उनका गाना जब से वायरल हुआ है युहानी को दुनिया भर में लोकप्रियता मिल रही है। युहानी भूषण कुमार इंदर कुमार की फिल्म थैंक गॉड से डेब्यू करेंगी। फिल्म में युहानी के वायरल सॉन्ग मनिगे मगे हिते का हिंदी वर्जन नजर आएगा, जिसे युहानी गाएंगी। इस मूवी को अगले साल रिलीज किया जाना है। मूवी में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगे। थैंक गॉड एक कॉमेडी मूवी होगी जिसमें खास मैसेज भी दिया जाएगा। मनिगे मगे हिते का देसी वर्जन इस मूवी में नजर आएगा, इसीलिए भी ये फिल्म बनने से पहले चर्चा में आ गई है। युहानी के सुपरहिट ट्रैक को तनिष्क कंपोज करेंगे, वहीं रश्मि विराग ने गाने के लिरिक्स लिखे हैं। डायरेक्टर इंदर कुमार ने इस खबर को कंफर्म करते हुए कहा, युहानी का गाना सुपर सेंसेशन बन गया है। मैं भूषण जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस ब्लॉकबस्टर ट्रैक को मुझे मेरी फिल्म थैंक गॉड के लिए दिया। हम इसके हिंदी वर्जन के लिए काफी एक्साइटेड है। जल्द इस ट्रैक को शूट किया जाएगा। ये फिल्म अगले साल आएगी, जो कि लाइव कॉमेडी मूवी है। वहीं प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा, टैलेंटेड म्यूजिशियन युहानी संग काम कर हम काफी खुश हैं। मनिगे मगे हिते का पहला देसी वर्जन इंडियन फैंस के लिए हम लेकर आ रहे हैं। थैंक गॉड एक फैमिली एंटरटेनर है, इसके रिलीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सिंगर युहानी ने भारत में अपनी इस कोलैबोरेशन पर कहा, मुझे यहाँ पर काफी सारा प्यार और सपोर्ट मिला है। मैं भूषण कुमार, इंदर कुमार और थैंक गॉड की पूरी टीम की आभारी हूँ, जो फिल्म में मेरे गाने के हिंदी वर्जन को प्रेजेंट करेंगे। आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड को इंदर कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं।